खबर सुहागपुर से। बिजली समस्या को लेकर ग्राम मुड़िया खेड़ा और ईश्वरपुर के ग्रामीणों पहुंचे बिजली कंपनी के कार्यालय। सुहागपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुड़िया खेड़ा और ईश्वरपुर के ग्रामीण बिजली की समस्या को लेकर बिजली कंपनी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सुहागपुर ग्रामीण क्षेत्र के जी के सामने क्षेत्र के बिजली समस्या को लेकर कहा कि पिछले 5-6 दिनों से उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। सबसे उन्होंने मूंग की बोली की है, तब से 8-10 घंटे बिजली भी सही तरह से नहीं मिल रही है, जिसके कारण उनकी फसल खराब होने की संभावना है। बार बार बिजली के तार टूट जाने के चलते उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कंपनी के अधिकारियों द्वारा 24 घंटे के अंदर समाधान करने की बात ग्रामीणों से की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर 24 घंटे में उनकी बिजली समस्या का समाधान नहीं होता है तो उनके द्वारा चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। गौरतलब है कि इन क्षेत्र में व्यापक स्तर पर किसानों द्वारा मूंग की फसल की बोनी की गई है, जिससे पानी की सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें नहीं मिल पा रही है। क्या नाम है आप? जी साहब पटेल। कौन से गांव से है? मुड़िया खेड़ा। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? सर हमारी समस्या बिजली की है। विगत 5 दिन से हम बहुत परेशान हैं। जो लाइट हमारी 10 घंटे चलनी थी वो 8 घंटे मिल पा रही है, लेकिन 8 घंटे के बाद भी मुश्किल से 1-2 घंटे चलती है, और उसके बाद तार टूटता है, कहीं जम्पर टूटता है, और हमारी लाइट नहीं चल पाती है। तो कितने गाँव के लोगों को समस्या है? सर ये हमारी 2 गाँव की समस्या है, ईसरपुर और मुड़िया खेड़ा। तो आज आप यहाँ बिजली कंपनी कार्यालय आए थे, तो क्या बोला अधिकारियों ने? सर अधिकारियों ने अब फिलहाल में आश्वासन तो दे दिया है, अब देखते हैं, और वो तो पहले से भी बोल रहे हैं, लेकिन समाधान कुछ हो नहीं पा रहा है। कब तक का आश्वासन दिया, कब तक ठीक हो जाएगा? आज का बोला है सर, आज करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल हम सर चक्का जाम करेंगे। और खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर नर्मदापुरम से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।